हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट सुफियान और स्वागत है आपका वापस से चैनल पे। और आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी स्पेशल है क्योंकि फाइनली एप्पल का लॉन्च इवेंट कल कंप्लीट हो चुका है और एप्पल ने लॉन्च कर दिए हैं काफ़ी सारे नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइसेज। तो आज की वीडियो में हम पूरे लॉन्च इवेंट को कवर करेंगे और देखेंगे क्या क्या डिवाइसेज लॉन्च हुए हैं, क्या क्या प्राइस उनका हमको मिलता है और इंडिया में यह आपको कब तक अवेलेबल होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो एप्पल का लॉन्च इवेंट वही हर बार की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपनिंग सीक्वेंस के साथ शुरू हुआ। एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस हमको देखने के लिए मिली, उसके बाद हमारे सामने आए टिम कुक हु इज़ दी एप्पल सीईओ और उन्होंने स्टार्ट करी प्रेजेंटेशन आईपैड लाइनअप से। तो 2021 का आईपैड लाइनअप जो है वो स्टार्ट होता है आईपैड 9th जनरेशन के साथ, और जिसमें कि हमको A13 बायोनिक चिप मिलती है और वाईफाई और LTE का सपोर्ट मिलता है, एप्पल पेंसिल कंपैटिबिलिटी, 10.7 इंचेस का रेटिना डिस्प्ले और काफ़ी सारे एक्साइटिंग ऑफर्स। आईपैड का प्राइस सेम वही लास्ट ईयर की तरह ही है, वो मैं आपको अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करा दूंगा। और एक्सचेंज ऑफर्स आपको मिलेंगे और स्टूडेंट डिस्काउंट बहुत ही अच्छे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला जो प्रोडक्ट एप्पल ने लॉन्च किया वो है आईपैड मिनी। अगेन आईपैड प्रो की डिज़ाइन को कॉपी करता हुआ सेम डिज़ाइन, बस एक छोटे फॉर्म फैक्टर में। और इस बार दोस्तों आईपैड मिनी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा USB टाइप सी कनेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इस बार USB टाइप सी कनेक्टर है जिससे कि आप काफ़ी सारे अलग अलग एक्सेसरीज, पेन ड्राइव्स, कैमराज, ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं और साथ के साथ आप किसी भी USB टाइप सी चार्जर से उसको चार्ज कर सकते हैं या फिर किसी भी USB टाइप सी केबल से आप उसको डिस्प्ले को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। प्राइस अभी भी सेम रखा गया है लास्ट ईयर की तरह से ही। एप्पल की ये फिलॉसफी मुझे काफ़ी पसंद आ रही है जिसमें कि वो प्राइस को सेम रखते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर, जनरेशन बाय जनरेशन, और प्रोडक्ट्स इंप्रूव होते जा रहे हैं। इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर का है। अगला प्रोडक्ट जो एप्पल ने लॉन्च किया वो है एप्पल वॉच सीरीज़ 7। और एप्पल वॉच सीरीज़ 7 मुझे काफ़ी पसंद आई देखने में दोस्तों, क्योंकि उसका जो डिस्प्ले है वो कर्व्ड है और इस बार काफ़ी अच्छे अच्छे वॉच फेसेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी हमको उसमें देखने के लिए मिल रही है, वाटरप्रूफ ऑफ कोर्स WR50 रेटिंग के साथ वो आती है, और इस बार सिरामिक शील्ड प्रोटेक्शन भी आपको एप्पल वॉच में देखने के लिए मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि यूजुअली फिटनेस जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए एप्पल वॉच एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हैं तो। और साथ के साथ इसके साथ बंडल करके एप्पल फिटनेस में भी काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं, लेकिन एप्पल फिटनेस क्योंकि अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्यों एप्पल फिटनेस एक अच्छा प्रोडक्ट इंडिया के लिए बन सकता है। लास्टली दोस्तों, जिस प्रोडक्ट की हम बात करने वाले हैं जिसका इंतज़ार बहुत सारे लोगों को हो रहा था वो है आईफोन 13 की पूरी लाइनअप। और जैसा कि लीक्स में हमने देखा था, आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में कैमरा लेंसेज को डायगनल कर दिया है, मॉड्यूल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है और काफ़ी सारे नए फीचर्स उसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। नॉच का साइज़ छोटा कर दिया है लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, धीरे धीरे अब एप्पल नॉच का साइज़ छोटा करता जा रहा है और हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी है उन्होंने नॉच की। और इसके साथ साथ जो जितने भी फीचर्स आपको आईपैड में मिलते थे फ्रंट कैमरा के साथ, अब क्योंकि आईपैड में भी अब वाइड एंगल कैमरा आ चुका है फ्रंट में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सेम टू सेम हमको यहाँ पे भी सेंटर स्टेज देखने के लिए मिल जाता है। सिनेमा स्कोप एक नया फीचर कैमरा में इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि आप बहुत ही अच्छी वीडियो शूट कर सकते हैं। एक और ट्रू शिफ्ट सेंसर OIS हमको देखने के लिए मिल जाता है आईफोन 13 और 13 मिनी के अंदर, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ प्रो मॉडल्स के अंदर दिया गया था, प्रो और प्रो मैक्स के अंदर। तो इस बार सेंसर शिफ्ट OIS हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट अभी भी आईफोन 13 और 13 मिनी में 60 हर्ट्ज़ का ही आपको मिलेगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये फुल एमोलेड डिस्प्ले है। तो आई डोंट नो कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई एप्पल को, वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पाए 120 हर्ट्ज़, जबकि बाकी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स आराम से कर रहे हैं। और इसके बाद जो सरप्राइज था वो था आईफोन 13 और 13 प्रो, उसमें उन्होंने एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर के साथ एक मूवी शूट करी जिससे कि वो कैमरा की जो एफिशिएंसी है और जो नए फीचर्स हैं कैमरा के वो दिखा सकें। और साथ के साथ काफ़ी सारी जो नए फीचर्स हैं उनमें से एक जो सबसे बड़ा फीचर है आईफोन 13 प्रो
और 13 प्रो मैक्स में वो है कि अब आपको 1 TB का एक मेमोरी ऑप्शन मिल जाता है जो कि UFS 3.2 स्टोरेज है, और 1 TB मेमोरी ऑप्शन के साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, फ्लूड मोशन आपको यहाँ मिल जाता है अप टू 120 Hz। तो अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली आपकी स्क्रीन की रिफ्रेश रेट अडैप्ट करेगी जो भी आप कंटेंट व्यू कर रहे होंगे उस टाइम उसके अकॉर्डिंग। तो अगर कोई कंटेंट, अगर आप गेम खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 120 हर्ट्ज को अगर सपोर्ट करता है तो आप 120 हर्ट्ज पे गेम खेल पाएंगे। अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो भी 120 हर्ट्ज पे होगा, तो एक तो आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंजर्व होगी, दूसरा आप अलग अलग रिफ्रेश रेट के जो कंटेंट हैं उसको आप इंजॉय कर पाएंगे प्रो और प्रो मैक्स मॉडल के ऊपर। और वही सेम कैमराज में इम्प्रूवमेंट और क्या कहते हैं, बैटरी का साइज़ बढ़ा कर दिया है एप्पल ने, वो जो हर साल वो एक्सक्यूज़ देते हैं सेम डिज़ाइन रखने का, और डिज़ाइन लगभग सेम है लास्ट जनरेशन से। तो अगर आप अभी भी आईफोन 12 सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं अपग्रेड कर लूँ, तो मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ खास डिफरेंस दिखा नहीं। 5G के मामले में भी आई थिंक A15 बायोनिक पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और अब खुद का सेल्फ डेवलप्ड एक 5G मॉडेम ये लोग यूज़ कर रहे हैं आईफोन लाइनअप के अंदर, नॉट बींग डिपेंडेंट ऑन क्वालकॉम, क्योंकि इस बार क्वालकॉम का जिक्र तक नहीं था प्रेजेंटेशन में या फिर कीनोट में। इसके अलावा दोस्तों प्राइस सेम रखा गया है, बल्कि अब मैं कहूँगा कि प्राइस आज अभी काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि 64GB मॉडल्स हटा दिए गए हैं। 64GB की जगह स्टोरेज अब आपको डबल मिल रही है, 128GB आपको बेस वेरियंट मिलेगा जो कि आईफोन 13 मिनी शुरू होता है 70,000 से, देन आईफोन 13 80,000 से, एंड सो ऑन 1,20,000 और उसके ऊपर। तो इस बार के लाइनअप में आई थिंक अगर ये सब लास्ट जनरेशन में इंप्लीमेंट किया होता आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर तो ज़्यादा बेटर होता, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और कैमरा मॉड्यूल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा केस अप्लाई करना है और कौन सा नहीं करना है। और आईफोन SE अभी भी अवेलेबल है, आईफोन 11 अभी भी अवेलेबल है, आईफोन 12 अवेलेबल है और आईफोन 13 अवेलेबल है। तो ये है अवेलेबल टाइमलाइन और मैं कहूँगा अवेलेबल डिवाइसेज एप्पल की तरफ से मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल। आईफोन 8 सैडली डिसकंटिन्यू हो गया है क्योंकि अब उसका सपोर्ट भी नहीं है, और उसकी बॉडी में अब आईफोन SE बन रहा है, तो वही हमको देखने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थी पूरी रिकैप एप्पल कैलिफोर्निया स्ट्रीमिंग लॉन्च इवेंट की। मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सुफियान साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।